दोस्तों वैक्सपोल इकोसेबार ऑल पर्पस पॉलिश का जब रिव्यू वीडियो बनाया था तो पॉलिश के बॉटल पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है इस पॉलिश के अंदर में हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण उस वीडियो में कुछ भी टेस्ट करके नहीं दिखाया। लेकिन बाद में चल के मैंने नोटिस किया है जिस सर्फेस में इस पॉलिश को यूज करते हैं वहां पर बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट होता है, मतलब पानी वगैरह का जो है आसानी से रिपेल कर देता है, चाहे सर्फेस पेंटेड हो या फिर टायर हो या फिर प्लास्टिक हो। और कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर्स भाई ने भी हमसे कमेंट करके पूछे थे ये पॉलिश वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो में टेस्ट करके आपको दिखाया जाए इस चीज़ को। और आप में से जो लोग वैक्सपोल इकोसेबार ऑल पर्पस पॉलिश का रिव्यू वीडियो नहीं दिखाया, आई बटन पर ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अगर परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने परचेस लिंक दे रखे, और चैनल में नया रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो बेल आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैक्सपोल ऑल पर्पस पॉलिश का हाइड्रोफोबिक टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कार के पेंटेड सरफेस के ऊपर में। तो यहाँ पर बोनेट के राइट साइड की तरफ हमने बीच से एक मास्किंग टेप लगा दिया है, तो यहाँ पर बोनेट जो है मेरा पूरा क्लीन है। और इस साइड में हम यूज़ करेंगे पॉलिश को, तो एप्लीकेटर है हमारे पास यहाँ पर होम एप्लीकेटर, इसके ऊपर में लेके पॉलिश को लगा देते इस साइड में। अब दोस्तों पॉलिश को ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। पॉलिश जो है पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो अभी हमारे पास जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इसके मदद से वाइप अप कर देते हैं। फिर दोस्तों पॉलिश करना। सबसे पहले एक काम करते हैं, मास्किंग टेप को हटा देते हैं, यहाँ से पानी डालते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी इस सरफेस में डालते हैं जहाँ पर पॉलिश का यूज़ किया था। अभी देखिए दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस आ रहा है आप देख लीजिए। तो पेंटेड सरफेस के ऊपर में दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर कुछ और कहने का ज़रूरत नहीं है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास एक टायर फोम एप्लीकेटर, तो इसके ऊपर में थोड़ा मात्रा में जो है पॉलिश को लेंगे। अभी इस साइड के पोर्शन में जो है हम लगाएंगे। यहाँ पर वाइप अप कर देंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। अब एक काम करते हैं दोस्तों, वाइप अप कर दिए, यहाँ से मास्किंग टेप को हटा देते हैं। डिफरेंस तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस है। रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, देखिए इस सरफेस में जब पानी डाल रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर देखिए डालने के साथ साथ फटाक से नीचे की तरफ चला गया। बहुत बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट हुआ है दोस्तों। अभी दोस्तों यहाँ पर सेम तरीके से कार के प्लास्टिक सरफेस पर भी हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट कितना होता है आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा मतलब लेते हैं, के बाद लगा देते इस साइड में। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 40 या 50 सेकंड के लिए, उसके बाद वाइप अप करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक सरफेस और रबर सरफेस में पेंटेड सरफेस जैसा वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी दोस्तों इस सरफेस को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप अप कर देते हैं। अभी दोस्तों मास्किंग टेप को हटा देते हैं, डिफरेंस आप क्लियरली देख ही सकते हैं। अभी पानी डाल के आपको दिखाते हैं, देखिए देख लीजिए। अभी इसके ऊपर में देखिए क्या रिजल्ट है आप देख लीजिए, मुझे कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिए इस साइड में जब डाल रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है पूरा पानी को गिरने में, देखिए देख लीजिए। अभी इस साइड में देखिए
डालने के साथ साथ फटक से गायब। दोस्तों वैक्सपोल इकोसेवर ऑल पर्पस पॉलिश जो है ये कार के पेंटेड प्लास्टिक और रबर सरफेस के ऊपर में कितना बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोफोबिक लेयर क्रिएट करता है आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल से कंपनी को इस चीज़ को बॉटल के ऊपर में मेंशन करना चाहिए था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।